हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 5 का साइंस यानी विज्ञान परख चैप्टर नंबर 2 है, जंतुओं और वनस्पतियों में अनुकूलन। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने परिवेश में पाए जाने वाले जंतुओं की तालिका बनाएं। ये चीज़ अपने विद्यार्थी है स्वयं बनाएंगे। और दूसरा यहाँ पे साड़ी दे रखी है, कौन कौन से जंतु आपके परिवेश में पाए जाते हैं, आसपास दिखाई जो देते हैं, उनकी आप तालिका बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है कि दी गई साड़ी में मरुस्थली तथा पर्वतीय जंतुओं के नाम लिखिए। कौन से मरुस्थली जंतु होते हैं, यानी कि कौन सा जो आपका रेतीले यानी कि डेजर्ट स्थानों में पाए जाते हैं, और कौन सा पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थली स्थान, और पर्वतीय स्थानों में पाए जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, जूट हमारा कहाँ पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज़। अगर पूछा जाता है कौन होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। और पहाड़ में बात करते हैं तो जो भेड़ होता है ये पहाड़ में पाया जाता है। सर्प होते हैं, ये भी हमारे रेगिस्तान में पाए जाते हैं। छिपकली रेगिस्तान में पाई जाती है। चूहा भी रेगिस्तान में पाया जाता है। और अगर बात कर लें हम मकड़ी की, तो मकड़ी भी आपकी रेगिस्तान में पाई जाती है। और पर्वतीय जंतु की अगर बात करते हैं, तो पर्वतीय जंतु में भेड़ हो जाता है, याक पाए जाते हैं, इनकी बड़े बड़े आँख के बाल होते हैं। पहाड़ी बकरी पाई जाती है, पश्मीना बकरी पाई जाती है, भालू पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं। इन सबको नाम जो है नोट कर लीजिएगा अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है, अब चैप्टर का प्रश्न पहला स्टार्ट होता है। यहाँ से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीवधारियों में अनुकूलन के क्या कारण है, जो जीवधारी होता है उनमें अनुकूलन के क्या कारण होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, जीवधारियों में अनुकूलन के निम्नलिखित कारण हैं। क्यों, कौन कौन से कारण हैं। पहला पॉइंट है इसमें भोजन की उपलब्धता, दूसरा है वातावरण, तीसरा है प्रजनन, और चौथा है शत्रुओं से रक्षा। इसलिए इनके लिए, जीवधारियों के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस मतलब कि भी जीवधारी वहीं पर रह सकते हैं, उनके लिए वो वातावरण उनका तभी अनुकूल रहेगा जब उनकी ये सब चीज़ें ऐसी जगह रहें जहाँ पे उनके भोजन मिल सके, ऐसा वातावरण रहे जहाँ पे उनके ज़्यादा ठंडी ना गर्मी रहे ना पड़े, यानी कि उनके लिए अनुकूल मौसम रहे, वातावरण रहे, यानी कि प्रजनन करने के लिए भी उनके लिए अनुकूल वातावरण रहेगा, तभी वहाँ पर वो रह सकते हैं जीवधारी। और शत्रुओं से रक्षा करने की भी वहाँ पर सामग्री चीज़ें जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर वे में उपलब्ध हों, तो वो जंतु वहाँ पे अनुकूलन कर सकते हैं। अनुकूलन का मतलब उनके रहने सहन, रहन सहन से मतलब है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह हमको चाहिए जहाँ पे हम लोग आसानी से अपने जीवन को यापन कर सकें, यानी कि भोजन की उपलब्धता हो, हम लोग का वातावरण सही हो, जहाँ कि हम टेम्परेचर को सह सकें, जहाँ कि ज़्यादा गर्मी ना हो, ज़्यादा ठंडी ना हो, तो और क्या है कि प्रजनन करने के लिए अनुकूल समय हो, अनुकूल वातावरण हो, और शत्रुओं से रक्षा के लिए भी हम इस पर हमारे पास सामग्री रहे, इसी को हम बोलेंगे अनुकूलन कहेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि जल में रहने वाले 3 जंतुओं एवं 3 वनस्पतियों के नाम लिखिए, ठीक है। इसमें आप लोग ना कर दीजिएगा मछली के पापा, मछली और मछली की मम्मी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलग अलग नाम लिखने हैं, ठीक है। पहला है जैसे कि जल में रहने वाले 3 जंतु, मछली है, ऑक्टोपस है, केकड़ा है और डॉल्फिन है, तो आपकी ब्लू व्हेल है, शार्क मछली है, मतलब अलग अलग चीज़ें जो भी नाम आपके आप पा सकते हैं, झींगा मछली है, वो सब लिख सकते हैं। जबकि जल में रहने वाले 3 वनस्पतियों के नाम भी लिखना है, तो वनस्पति कौन सा, आपका सिंघाड़ा होता है, कमल होता है, कुमुदनी होता है, ये सब आपके वनस्पतियाँ हैं। और जंतु कौन सी हैं, जंतु मछली, ऑक्टोपस, केकड़ा। ऑक्टोपस का जो रंग है, उनके खून का रंग कैसा होता है, तो उनके खून का रंग नीला होता है, ध्यान में रखें कैसा होता है, नीला रंग उनके खून का होता है, रॉड लाल नहीं होता है, नीला होता है ऑक्टोपस का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मछली की 2 विशेषताएं बताएं जो उन्हें जल में रहने के लिए अनुकूल बनाती हैं। तो पहले चैप्टर में हमने पहले पार्ट में बता दिया था मछली की क्या एक विशेषता होती है, जो उनकी आँखें हमेशा खुली रहती हैं। क्यों खुली रहती हैं, क्योंकि पहली बात तो उनके जो आँखें होती है उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली की परत पाई जाती है, जिसकी वजह से उनकी आँखों में पानी नहीं जाता है और वो आसानी से देख पाती हैं। पहला और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मछली की जो आकृति होती है वो धारा रेखी होती है, ठीक, धारा रेखी होने के कारण वो आसानी से तैर पाती हैं,
और दूसरा है कि मछली सांस लेने के लिए गलफड़े का इस्तेमाल करती है, यानी कि गिल्स का इस्तेमाल करती है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे आसानी से पानी के अंदर रह करके सांस ले पाती है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि जलीय पौधों के तने और पत्तियों की एक विशेषताएं बताएं। और एक मछली के ऊपर आप ध्यान रखेंगे, मछली की अगर बात करते हैं, पिछला एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, उनके ऊपर जो सल्क पाई जाती हैं, जो सेहरा पाया जाता है ना छोटे छोटे, वो क्या करती हैं, उसके शरीर में पानी को अंदर जाने से रोकती हैं। जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों के शरीर में पानी ना घुस जाए, इसके लिए उनके ऊपर जो सल्क पाए जाते हैं, सबके सेहरे पाए जाते हैं, इसको सेहरा बोलते हैं या सल्क कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है कि जलीय पौधों के तने और पत्ती की एक एक विशेषता, मतलब जो जलीय पौधे होते हैं उनके तने की क्या विशेषता होती है, इनकी पत्ती की क्या विशेषता है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि जलीय पौधों के तनों के अंदर क्या होते हैं, असंख्य खाली स्थान होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, असंख्य खाली स्थान होते हैं। दूसरा है जलीय पौधों की पत्ती की सतह पर मोम की चिकनी तह होती है, जो जलीय पौधे होते हैं ठीक है, उनके पत्तियों में जो होती है, पत्तियों की सतह पर जो क्या होते हैं, मोम की क्या होती है, मोम की चिकनी सतह होती है, तह होती है, क्या होती है, चिकनी तह होती है, एक थोड़ी सी परत होती है चिकनी, ये उनकी विशेषताएं होती हैं जो जलीय पौधे रहते हैं। जो पहला जैसे उनके तने में क्या होते हैं, असंख्य छिद्र रहते हैं, जबकि उनकी जो पत्ती होती है, उसकी पत्ती के ऊपर, जो पत्ती के ऊपर एक पतली सी तह होती है, किसकी होती है, मोम की होती है। प्रश्न नंबर पाँच कह रहा है कि पक्षियों के लिए देशांतरण का क्या महत्व है। ठीक है, देशांतरण का मतलब कि प्रवासी पक्षी, यानी कि प्रवासी एक अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, या अपने देश से दूसरे देश में चले जाना, उनको हम बोलते हैं प्रवासीय पक्षी या देशांतरण पक्षी। ठीक है, प्रवासीय पक्षी या देशांतरण पक्षी, तो प्रवासी पक्षी की बात करते हैं तो क्या इसमें लिखेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें भी लिखेंगे कुछ पक्षी ठंडे प्रदेश को छोड़कर कुछ समय के लिए गर्म प्रदेश में चले जाते हैं, तथा कुछ पक्षी भोजन की तलाश के लिए देशांतर करते हैं, यानी कि एक जगह से एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। इसलिए उसको क्या कह सकते हैं कि या तो वो ठंडे स्थान से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या अपने भोजन की तलाश के लिए कि एक जगह से दूसरे स्थान जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा साइबेरियन सारस जो होता है, वो ठंडी के मौसम में जब वहाँ पे साइबेरिया में ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो उड़ करके कहाँ चले जाते हैं, भारत चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ का मौसम वहाँ का मौसम अनुकूल होता है उनके, तो क्या करेंगे, फिर से वो रिटर्न होकर अपने देश चले जाते हैं। इसलिए इनको हम प्रवासी पक्षी कहते हैं या देशांतरण पक्षी कहते हैं, और इनका महत्व यही है कि ये अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहा जाता है। तो हमने शुरुआत में पहले प्रश्न बता दिया था, रेगिस्तान में ऊँट को रेगिस्तान का ऊँट का रेगिस्तान ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, क्योंकि उत्तर में लिखेंगे रेगिस्तान में ऊँट सामान पहुँचाने तथा यातायात के साधन के रूप में बहुत उपयोगी होता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। और ये बहुत तेज़ी से रेतीली जगहों पर दौड़ सकता है और चल फिर सकता है, क्योंकि उनके जो पैर होते हैं, जो तलवे होते हैं, गद्दीदार होते हैं ठीक है, और बालों में धंसते नहीं हैं, इससे आसानी से दौड़ सकते हैं और चल फिर सकते हैं। लेकिन हम लोग जाएंगे तो उस बालों में फंस जाते हैं, गाड़ी जाएगी फंस जाएगी। और एक क्या किस काम के आते हैं, वहाँ पर यातायात के साधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं और सामान पहुँचाने में कार्य करते हैं, इसलिए इनको रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला कथन दे रखा है नागफनी एक जलीय पौधा है, तो बिल्कुल गलत है। नागफनी जो उसकी पत्तियां होती हैं कटीली कटीली हो जाती हैं, क्यों हो जाती है, क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता है। जब पानी नहीं मिलता तो जो उनकी पत्तियाँ होती हैं वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, और जो छोटे छोटे कांटे दिखाई देती हैं वो नागफनी की पत्तियाँ होती हैं। और ये अक्सर कहाँ पे, जहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, पानी कहाँ नहीं मिलेगा, वो मरुस्थलीय स्थानों पे नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है कि जो नागफनी होता है जलीय पौधा ना होकर के एक मरुस्थलीय पौधा होता है। क्या होता है, मरुस्थलीय पौधा होता है, जिसको इंग्लिश में हम जीरोफाइटा भी कहते हैं। जीरोफाइटा के नाम से जो मरुस्थल में उगते हैं उसको जीरोफाइटा के नाम से जाना जाता है। अगला कथन है मेढक एक उभयचर जंतु है, बिल्कुल सही है। मेढक आपका स्थल पे भी रह सकता है और कहाँ, जल में भी रह सकता है, इसलिए क्या है, एक उभयचर जंतु है, प्राणी है। और इसके जो कोष्ठ है, जो हृदय के कोष्ठक होते हैं कितने होते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है इसके जो हृदय के कोष्ठ होते हैं वो कितने टोटल होते हैं, उनकी संख्या होती है 3 होती है उभयचर में।
और मनुष्य में चार होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, दाया अलिंद, माया अलिंद और दाया निलय, और दो नीचे निलय निलय होते हैं, एक दाया होता है एक बाया होता है, दाया निलय बाया निलय, और ऊपर जो होते हैं अलिंद होते हैं, दो एक दाया अलिंद होता है एक आपका बाया अलिंद होता है, ठीक है। इस प्रकार से चार कोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय के, और मछलियों के दो कोष्ठ होते हैं, ध्यान में रखेंगे। सिर्फ ब्लू व्हेल को छोड़ करके, और ब्लू व्हेल जो होती है हमारी, और क्योंकि स्तनधारी होती है, स्तनधारियों के जो हृदय होते हैं चार होते हैं, तो स्तनधारी में आपका ब्लू व्हेल आ गई और क्या नाम है क्या डालफिन आ गई। इन दो मछलियों को छोड़कर जितनी भी मछलियाँ हैं सबके हृदय के दो कोष्ठ होते हैं, उनके हृदय में दो ही कोष्ठ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मछलियों में तैरने हेतु पांच जाल पाए जाते हैं। तो मछलियों में पांच जाल नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स, मछलियों के पैर तो होते नहीं, तो कहाँ से पांच जाल पाया जाएगा उसके, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, मेढक में पाया जाता है। पांच जाल किस में होता है, मेढक में पाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, मछलियों को तैरने के लिए उनके पास जो होती हैं पंख होते हैं, पंख के माध्यम से वो तैर पाती हैं। और अगर बात करें पक्षियों के मुंह में दांत पाए जाते हैं, तो बिल्कुल गलत है, पक्षियों के तो मुंह में दांत नहीं पाए जाते। अब तो देखें होंगे उनकी चोंच होती है, क्या होती है, चोंच होती है, वो दांत नहीं होते हैं, चोंच से अपना खाना वो उठाते हैं खाते पीते हैं, ठीक है। अगला है पक्षियों को में अगला है पक्षियों एवं मछलियों का सार मछलियों का शरीर धारारेखीय होता है, बिल्कुल सही है। जो मछलियाँ होती हैं और पक्षियाँ होती हैं, इन दोनों का शरीर जो होता है धारारेखीय होता है, रेखित होता है, क्योंकि ये धारा रेखित होने की वजह से अपनी उड़ने में इनको सहायता मिलती है, और मछलियों को तैरने में सहायता मिलती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही जोड़े बनाए, जैसे कि नागफनी किस्म कहाँ का पौधा है, तो मरुस्थली पौधा है, क्योंकि मरुस्थली इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं इसकी जो यहाँ पे पानी नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलने के कारण क्या होती हैं, इनकी पत्तियाँ जो होती हैं कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। चीड़ जो है हमारा एक पर्वतीय पौधा है, बिल्कुल सही है। मछली की जो शरीर होती है धारारेखीय होता है, मेंढक है उभयचर प्राणी है, इस प्रकार इसका आप जोड़ा बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर सिक्स में कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, इसमें से पहला कथन है, पहला कथन में पूछ रहा है कि मरुस्थली पौधों की पत्तियां कांटों के रूप में किसके रूप में रूपांतरित हो जाती है, तो खाली स्थान में लिखेंगे कांटों के रूप में रूपांतरित तो हो जाती हैं। दूसरा है, ठंडे क्षेत्रों के जंतुओं के शरीर प्रायः क्या होते हैं, जो ठंडे क्षेत्र में जो जंतु होते हैं इनके शरीर पर क्या होते हैं, प्रायः लंबे घने बाल होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कारण बताइए, कारण में इसमें पूछा जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र के पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली की होती है, जो पर्वतीय क्षेत्र रहते हैं वहाँ की जो पत्तियां होती हैं वो प्रायः नुकीली की होती है, तो उत्तर में लिखेंगे पर्वतीय क्षेत्र के पौधों की पत्तियां नुकीली होती हैं, क्योंकि पत्तियां नुकीली होने से तेज हवा आराम से निकल जाती है तथा बर्फ वृक्ष पर रुक नहीं पाती है। इस कारण क्या होता है कि वहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं वो नुकीली होती हैं, जब हवा तेज़ से बहती है तो क्या होती है, उसकी पत्तियों के बीच में सर निकल जाती है आसानी से, और जब भी बर्फ़ गिरेगा तो उसकी पत्तियों पर नहीं रुकेगा। प्रश्न नंबर अगला है कि पर्वतीय क्षेत्रीय जंतुओं के शरीर पर लंबे घने बाल क्यों होते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं के शरीर पर लंबे घने बाल होते हैं, क्योंकि लंबे घने बाल उन्हें अत्यधिक सर्दी में ठंड से बचाता है, जब अधिक सर्दी पड़ती है तो लंबे घने बाल जो होते हैं उनको उससे बचाता है। प्रश्न नंबर अगला है, ऊँट के पैर गद्देदार क्यों होते हैं, उत्तर में लिखेंगे गद्देदार पैरों के कारण ही ऊँट मरुस्थल के रेतीली भूमि पर मेलो चल अथवा दौड़ सकता है, इसलिए ऊँट के जो पैर होते हैं गद्देदार होते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय पौधों के तने कोमल और हल्के क्यों होते हैं, उत्तर में लिखेंगे हम लोग जो जलीय पौधों के तने तनों के अंदर असंख्य खाली स्थान होते हैं जिनमें वायु भरी आती है, इस कारण ये कोमल और हल्के होते हैं, ठीक है। इसलिए क्यों होते हैं कोमल और हल्के, पहली बात तो जो उनके तने होते हैं उनके तनों में असंख्य खालिस्तान रहते हैं, और उस खालिस्तान में क्या रहता है कि वायु भरी रहती है, जब वायु भरी रहेगी जाहिर सी बात तो हल्की रहेगी और कोमल भी रहेगी। अगला प्रश्न है, सोचो और बताओ मनुष्य विभिन्न मौसम में रह सकता है क्यों रह सकता है, उत्तर में लिखेंगे मनुष्य के विभिन्न मौसम में रहने के लिए अपनी सुविधा अनुसार अनेक वस्तुओं का निर्माण कर लिया है, अतः मनुष्य विभिन्न मौसम में रह सकता है, यानी कि अगर उसको जाड़े में रहना तो उसके लिए उसने स्वेटर बना लिया, जैकेट बना लिया, ठीक है। गर्मी में रहना तो पतले कपड़े बना लिए हैं, बरसात के मौसम में रेनकोट बना लिया है, जिससे आप यानी कि हर मौसम के अनुकूल मनुष्य ने खुद अपने आप से उन चीज़ों का निर्माण कर लिया है जो
हर मौसम में उसके अनुकूलन के लिए आवश्यक होता है। इसलिए जो मनुष्य है हर मौसम में किसी भी मौसम में किसी भी परिस्थिति में रह सकता है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।